अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस पार्ट टू के इस फिफ्थ लेक्चर के साथ मैं हूं आमिर रऊफ। आज की इस क्लास के अंदर जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। कंपाइलर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है एज अ होल। यानी जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कम्प्लीटली ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेट करने के बाद हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करवाता है। तो हम देखेंगे कि जो सी का कंपाइलर है वो किस तरह काम करता है या सी का कंपाइलर कैसे हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने इस क्लास के अंदर देखना है वो है व्हाट इज मीन्ट बाय आईडी। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा कंप्लीट हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम अपने सोर्स कोड को राइट कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। यानी हमें ये आईडी तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू वर्क विद डिव सी प्लस प्लस। यहाँ हम जो सी का कंपाइलर इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है डिव सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भी इस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी की लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी सी लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उनको हम सी प्लस प्लस के कंपाइलर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह डिव सी प्लस प्लस के साथ हम काम करते हुए अपना एक प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। यानी जो इंस्ट्रक्शन हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है उन्हें हम सोर्स कोड बोलते हैं और सोर्स कोड को ये मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सी लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर है सी लैंग्वेज, उसे हम सी कंपाइलर बोलते हैं। सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है उसे हम सी कंपाइलर बोलते हैं। तो अगर हमने सी के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सी प्लस प्लस के कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम सी का कंपाइलर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे हम कैसे अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो हमारे सी प्रोग्राम को भी ट्रांसलेट कर सकता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डिबगिंग कर सकते हैं। डिबगिंग मीन्स कि अगर हम राइटिंग के दौरान किसी किस्म का कोई एरर आ जाए और कंपाइलर हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दे तो हम उनको एरर्स को फाइंड करके रिमूव कर सकते हैं, इसे हम डिबगिंग कहते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम अपने प्रोग्राम को राइट कर सकें, कंपाइल कर सकें, टेस्ट कर सकें, डिबग कर सकें, इसे हम आईडीई बोलते हैं। तो अब सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिंपल चाहिए क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास हमारा पीसी होना चाहिए, यानी हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और जो भी ज़रूरत की कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। और जो डिव प्लस प्लस है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक से अपनी वीडियोस को इस डिव प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकेंगे। हम अपने एलएमएस पे मैं इसका लिंक साथ दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और सिंपल आपके पास वो कोड होना चाहिए जिसको हमने एग्जीक्यूट करना। तो हम सी का जो एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि स्क्रीन के ऊपर हमने मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए लास्ट टाइम कोड लिखा था तो उसे एक्चुअल हम यहाँ लिख के और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आपने
सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसको रन करना है। रन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है उसका। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। ये कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है? जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो हमारी कंसोल एप्लीकेशन होती है। हमने क्योंकि यहाँ कंसोल के ऊपर आउटपुट लेके आनी है तो यहाँ हम कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हम सी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने का तरीका कार बहुत ही सिंपल है। आप फाइल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो हमारा सेव का बटन है आप उस पर क्लिक करके तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने सेव करना है वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लें और फाइल का जो नाम आपने रखना है वो नाम इसका रख लें। प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने अपने कोड को राइट करना है। तो अब यहाँ हम सोर्स फाइल बनाएंगे। तो सोर्स फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है वो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद हम उस इंस्ट्रक्शंस को सेव कर लेंगे, अपनी एक सोर्स फाइल बना लेंगे। उस सोर्स फाइल को देन हम कंपाइल एंड रन कर देंगे, या सिंपल आप अपने कीबोर्ड से F9 को प्रेस करें तो हमारा वो कंपाइल एंड रन हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद जब प्रोग्राम रन होगा तो जो भी उसका रिजल्ट है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने सोर्स कोड के ऊपर सिंपल स्क्रीन का प्रिंट एफ करवाया था आउटपुट, यानी हमारी कंसोल के ऊपर सिंपल सिर्फ हेलो का वर्ड प्रिंट होना था। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये हेलो का वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इसे हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। जब हम डिव डाउनलोड करेंगे तो यहाँ डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ये डिव प्लस प्लस डाउनलोड है। सिंपल इसे हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है तो इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन के लिए आपकी एक परमिशन मांग रहा है, यस कर दें तो हमारा डिव इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें जिस लैंग्वेज में हमने इसे इंस्टॉल करना है, तो हमने इसे इंग्लिश में इंस्टॉल करना है। ओके कर दें, एग्री कर दें। नेक्स्ट जिस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है हमने, तो बर्ड फाइल हमने यहाँ ही इंस्टॉल करना है इसे, तो इंस्टॉल। तो हमारा डिव हमारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी सिंपल फिनिश पे क्लिक कर दें तो हमारे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर आइकन आ गया है। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप सिंपल यहाँ नेक्स्ट, ये उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसे हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें। ओके, अब हमारे पास ये डिव इंस्टॉल हो चुका होगा। इसका आइकन हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आ गया, ये आइकन है इसका। सिंपल हमने इसको रन करना है, डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास डिव एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे विंडो के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर हमारे प्रेजेंट होते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार होती है। ये हमारे पास टाइटल बार है, ये हमारे पास मेन्यू बार है, और मेन्यू बार के अंदर, टाइटल बार के अंदर हमारे पास उस एप्लीकेशन का नाम और उसका वर्जन वो मेंशन होता है। मेन्यू बार के अंदर वो तमाम पॉसिबल कमांड्स होती हैं जो उस सॉफ्टवेयर के साथ या उस एप्लीकेशन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपल फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे आ जाएं और यहाँ हमने न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। और न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास ये एक विंडो ओपन होगी, तो यहाँ हमने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। कंसोल क्या होती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हमारी ब्लैक स्क्रीन होती है, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है, इसे हम कंसोल कहते हैं। यानी इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे इस कंसोल पे आएगी। तो इस कंसोल को सिलेक्ट करके और यहाँ सी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब हमारे पास सी का प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ हम इसका कोई नाम रख लें, लेट्स सपोज इसका नाम हम रखते हैं लेक्चर 5 प्रोग्राम। ये मेरे पास, इसे हम रिमूव कर लें, थोड़ा सा इसका मैं
साइज इंक्रीज कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। लेट्स से इसका साइज हम 25 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हमने सिंपल अब वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। ये हमारे पास आईडी है, सी का कंपाइलर है, आईडी है, ये हमें एडिटिंग करने की, प्रोग्राम को सेव करने की, उसको कंपाइल करने की, टेस्ट करने की, रन करने की तमाम फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप सिंपल अपनी इंस्ट्रक्शन लिख लें। प्रोग्राम के अंदर आपको पता है सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं और हैश इंक्लूड, और जिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर हैडर फाइल को हमने इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हैडर फाइल का नाम लिख लें stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की एक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की। एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा void मेन फंक्शन, void और मेन फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम सी की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। मेन फंक्शन आपको पता है हमारे प्रोग्राम का एंट्री गेट होता है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ सिंपल प्रिंट एफ, ये फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन ब्लू डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर मैंशन आ जाएगी। लेट्स सपोज हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और एंड पे सेमी कॉलन, आपको पता है कि सी की स्टेटमेंट हमेशा एंड। तो हेलो वर्ल्ड ये स्क्रीन के ऊपर एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब एक दफ़ा फाइल एडिट कर ली, नेक्स्ट स्टेप है इसको सेव करना। तो फाइल पे क्लिक करके, ये हमारे पास सेव है, सेव पे क्लिक करें। जो आपने इस फाइल का नाम रखना है, लेट्स सपोज इसका नाम रख लेते हैं हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट PRO, फर्स्ट प्रोग्राम इसका हमने नाम रख दिया। अब हमने इस फाइल को कंपाइल करना, तो आप डायरेक्ट कंपाइल एंड रन कर देंगे तो ये हमारी कंपाइलेशन भी कर देगा, रन भी कर देगा। तो मैं इसको सिंपल कंपाइल एंड रन कर देता हूँ और ये प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट हो गया और हमें ये आउटपुट आ गई है हेलो वर्ल्ड। यानी अगर आपने एक दफ़ा और ट्राई करना हो तो इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। अगेन इसको सेव करते हैं, सेव किया, एग्जीक्यूट के अंदर क्लिक करके ये एग्जीक्यूट मेन्यू के अंदर कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। तो ये सिंपल तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखना चाहें प्रोग्राम की, इंस्ट्रक्शंस को लिख के और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप सो आप इसको खुद ट्राई करें। लिंक मैंने आपको आपके LMS पे दे दिया, आप डाउनलोड करके इसी तरह इंस्टॉल करके और प्रोग्राम टाइप करके उसे एग्जीक्यूट करके देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।